प्रोटेस्ट यहाँ पे था, आज प्रोटेस्ट नहीं, आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, हमने एक एक्शन करनी थी डिपार्टमेंट के खिलाफ, जो पहले ही हमने बोल दिया था, और उसके बाद एक हमने एक्शन किया भी कि तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो सप्लाई जो हमने 72 घंटे के लिए जो ठप कराई थी, और उसके बाद हमें लग रहा है कि सरकार ने जो आज मीटिंग बुलाई है कमेटी की, कुछ न कुछ में निकल के पॉजिटिव आ रहा है, हमें ऐसा विश्वास है, और हमें आला अधिकारियों से पता चला है कि कोई न कोई डिसीजन बहुत जल्द दिया जाएगा, इसलिए आज हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया, और फिर सरकार को जो हमने उनकी बात मानी, और उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में जो ये मसला है पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरी तमाम ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट है कि यूनिटी बनाए रखें, यहाँ पे और बहुत लोग आपको गुमराह करके निकल रहे हैं कि हमारे इस यूनिटी को तोड़ने के लिए। मैं तमाम ड्राइवर्स को अपील करता हूँ कि एक ही बैनर है जो आपके लड़ रहा है और अभी तक खड़ा है आपके साथ, और ये लोग जो आज तक सोए थे और आज मॉडल कोड लॉक कॉन्ट्रैक्ट भी लग चुका है, आज ये लोग जाग रहे हैं, आज ये लोग फ्रंट बना रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम पिछले 5 साल से फाइट में और आज भी फाइट में हैं, और जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम फाइट में हैं। तो हमें ये पूरा यकीन है कि इस कमेटी बहुत जल्द इस पर डिसीजन लेगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो नेक्स्ट सोमवार जो नेक्स्ट मंडे जो है उस दिन हम सरकार को दिखा देंगे कि दमखम में कितना हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी मीटिंग जो है रोहित कंसल जी से परसों हुई थी, फाइनेंस डायरेक्टर से भी हुई थी, और उन्होंने कहा था 72 घंटे के भीतर ही हम इस पर डिसीजन लेंगे, जैसे फाइनेंस सबमिट होंगी तो RND फाइनेंस जो सबमिट हो चुकी फाइनेंस में, और डिसीजन किसी भी वक्त आ सकता है, हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन अगर कहीं फिर यही गवर्नमेंट को ऐसी चाल होगी तो मंडे को जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान की सरकार देख लेगी कि डिलीवर क्या कर सकता है, और अपने वर्कर के लिए अगर आखिरी दम तक भी हमें लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। और जैसे जैसे यहाँ पार्लियामेंट एक्शन का ऐलान भी हुआ है, हम भी अपनी टीम के साथ पूरे प्रोविंस का दौरा करेंगे, अपने लोगों की राय जानेंगे, और अगर हमारे हक में फैसला नहीं होता है तो अगर उसमें भी किसी साथी को हमें कुर्बान देकर कूदना पड़ेगा तो उसके लिए भी हमारे साथी पूरी तरह से अब तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।